महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। देखिए तिरंगा यात्रा जो हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा यात्रा आज 14 अगस्त को, वैसे तो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में क्योंकि सभी स्कूल में प्रोग्राम्स रहते हैं, एनजीओ में प्रोग्राम रहते हैं, हमारे पार्टी कार्यालय में प्रोग्राम रहते हैं, कॉर्पोरेशन में प्रोग्राम रहते हैं, एनजीओ ऑफिस में प्रोग्राम, उसके लिए हमने 14 अगस्त को ये तिरंगा यात्रा निकाली जो आमदार कार्यालय से लेके पूरा गोल मैदान घूम के टर्निंग पॉइंट से काशामल पुतला स्टेचू से लेके हीरा मेरीजाल और वापस आज आमदार कार्यालय में समाप्ति हुई। इसमें हमारे उल्लासनगर के जितने भी योगा प्रेमी है सभी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा सीनियर सिटीजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके स्कूल के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, टीचर्स, एनजीओ, व्यापारी लोग, इंडस्ट्री, उल्लासनगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और कई संस्थाओं ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व उल्लासनगर के सभी सिटीजन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस यात्रा में आके इस शहीदी दिवस का आज बड़ी रैली निकाली, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आमदार साहब के कार्यालय से तिरंगा यात्रा का शुरुआत किया गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे भव्य, यहाँ पे इतनी भीड़ और स्कूल के बच्चों ने जो यहाँ पर आकर इस तिरंगा यात्रा का शान बढ़ाया और हमारे आमदार साहब का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम करके उल्लासनगर में देशभक्ति का आपने शुरुआत किया है। लोगों के मन में देशभक्ति आनी चाहिए, हर बच्चे के घर में और हर जगह पे देशभक्ति का गाना चलना चाहिए। इसके लिए मैं मेरे कुमार हलानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आप करते रहिए और शहर में देश के प्रति प्यार हो गए, ऐसे प्रोग्राम को हम बहुत बहुत अपना सपोर्ट करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हर लोग को करना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आमदार साहब का, धन्यवाद। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।